लाहौर में गो नवाज गो के नारे लगाने पर खिलाड़ी समेत 5 तलबा को पुलिस ने पकड़ लिया। रेलवे एथलेटिक्स मुकाबलों की तकरीबे तकसीम से इनामात साद रफीक के जाते ही नारे लग गए, तलबा को थाने पहुंचाया गया। वजीर आजम नवाज शरीफ के हुक्म पर रिहाई, किसी तालिब इल्म को गिरफ्तार नहीं किया, रेलवे के तर्जुमान की अनोखी मंतर। वज़ीर मुमलिकत पानी और बिजली मुखालिफों पर बिजली बनकर गिरे। आबिद शेर अली ने आसिफ जरदारी को सबसे बड़ा दहशतगर्द और डाकू करार दे दिया। कहा उज़ैर बलोच के इंकशाफात पर जरदारी का फौजी अदालत में ट्रायल होना चाहिए। जरदारी 10% से मिस्टर 1000% बन चुके। इमरान खान रोना छोड़ दें। आबिद शेर ने फैसलाबाद में रैली की क्यादत भी की। मौला बख्श चांडियों ने भी नून लीग के खिलाफ तनकीद का गंडासा निकाल लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा, पप्पू यार तंग न कर, अदालत चोर करार दे चुकी, ओहदा छोड़ दो। आबिद शेर की बदकलामी वजीर आजम को सादिक और अमीन साबित नहीं कर सकती। उन्होंने नवाज शरीफ को उज़ैर बलोच और जुल्फिकार मिर्जा से मिला दिया। जरदारी शेर दिल है, भागे नहीं, मुआफियाँ नहीं मांगे। पैनमा फैसले के बाद कप्तान का पहला मैदान, दादू में है जलसा और लाकर जतोई है मेजबान। साबिक वजीर आला पीटीआई में शमूलियत का करेंगे ऐलान। जलसे का पंडाल सज गया, खिलाड़ी पुरजोश, पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन पीटीआई मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट से काफले की सूरत में जलसा पहुंचे, कारकुनों की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल। मुमलिकत मरियम औरंगजेब भी मुखालिफीन पर बरस पड़ी। कहा जीआईटी का जवाब शरीफ फैमिली ने देना है, तकलीफ इमरान खान को हो रही है। हुकूमत पीपल्स पार्टी की करप्शन का गंद आज तक साफ कर रही है। जरदारी साहब कराची का कचरा ही साफ कर ले तो बड़ी बात है। ओए की सियासत खत्म होनी चाहिए, जीआईटी के बाद दिया गया फैसला भी कबूल करेंगे। सिंध सरकार ने एक हफ्ते की ताखीर से रेंजर्स को खसूसी इख्तियारात में तौसीद दे ही दी। 16 अप्रैल से 14 जुलाई तक इख्तियारात के लिए वफाकी हुकूमत को खतर साल। रेंजर्स भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग समेत 4 संगीन जराय में मुलजिमान को गिरफ्तार कर सकेगी। तहकीकत के बाद पुलिस के हवाले किया जाएगा। कराची में रेंजर्स ने स्नैप चेकिंग शुरू कर दी। वली खान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मशाल के कत्ल की मजीद वीडियो सामने आ गई। पहली वीडियो में एक शख्स पुलिस अफसर की मौजूदगी में मशाल के कत्ल की तरगीब देता है, मशाल को जेल में भी कत्ल करने का कहता है। दूसरी वीडियो में हुजूम मशाल के कमरे की जानिब चल पड़ता है। टीआईजी पिशावर के बेटे का कराची में सफाकाना कत्ल। डिफेंस के अबाने शहर में उमर शहाब को पुलिस गार्ड ने गला दबा कर मार डाला। मुजरिम गिरफ्तार। एसपी क्लिफ्टन के मुताबिक उमर शहाब से उसकी महाफिज फकीर मोहम्मद ने 2 लाख रुपए मांगे थे। जायवकुआ से आलाए कत्ल और दस्ताने तहवील में लेकर फ्रांसिक लैब भिजवा दिए गए। ठंडी हवाओं और बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश, फैसलाबाद और कसूर में यालाबारी। आंधी के बायस हादसात, 7 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। झंग और मुजफ्फरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। उधर सिंध में खुश गर्मी का राज बरकरार। कराची में इम्तिहानी मरकज पर मर्द असातिज़ा की तरफ से बच्चियों की तलाशी। औरंगी में नवी जमात की तालिबात ने मर्द असातिज़ा की तलाशी लेने पर इम्तिहान का बॉयकॉट कर दिया। बच्चियों के वालिदैन में भी गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। कंट्रोलर मैट्रिक बोर्ड की जानिब से खातून टीचर की ड्यूटी लगाने पर तालिबात इम्तिहान में शरीक हो गए। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण को सजाए मौत क्या सुनाई गयी। भारत में इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर हो गए। इंतहा पसंद तंजीम महाराष्ट्र नवनिर्मन सिन्हा की मुंबई में ज़ारा आउटलेट को पाकिस्तानी मलबूसात फरोख्त करने पर धमकियां। मेड इन पाकिस्तान मसनूआत का सेक्शन बंद करने का मुतालिबा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के वाके पर मजम्मत। आर्मी चीफ ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। मज़ार शरीफ में फौजी हेडक्वार्टर्स पर हमले में 140 फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी हुए थे।
पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर का कत्ल, पुलिस ने तीनों मुलजम मीडिया के सामने पेश कर दिए। मुलजमों में सज्जाद अली, साद असलम और सुनील मसीह शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजम डकैती करने प्रोफेसर के घर गए थे। लाहौर पुलिस ने फैसल टाउन में ट्रैफिक सिग्नल पर डकैती में मुलविस मिठू गैंग के 9 मुलजम भी धर लिए। कराची में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए पीर से दफा 144 के नफाज की इजाजत। सिंध हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से 6 मई तक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का फैंसी नंबर प्लेट्स, प्रेशर हॉर्न, काले शीशे और हूटर्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले टेस्ट का आज दूसरा दिन। किंगस्टन में खराब मौसम के बाइस खेल ताखीर का शिकार। वेस्ट इंडीज ने 7 विकेट्स के नुकसान पर 244 रन बना रखे हैं। मैच पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को हरीफों की इनिंग्स जल्द लपेटना होगी। उधर यूनिस खान का रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने का इंदिया। मैं नजम पेश कर रहा हूँ, अर्ज किया है, कहा हम वोट पे बैठे, कहा तुम वोट पे बैठो। रीमा अच्छी डांसर है या नीली? आप अख्तर शुमारी कीजिए, हम मर्दुम शुमारी करेंगे। कॉमेडियन था वो बेमिसाल, अदाकारी की जौहर भी दिखाया लाजवाल। मुस्कुराहटें बखेरने और दिल जीतने के फन तो बख्शा और कमाल। अपनी मिसाल आप मोइन अख्तर को मदाहों से बिछड़े बीत गए 6 साल।